लता लता टेरेस गार्डन से। और आज आप लोगों को सबसे पहले मैं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूं। तो सभी को, आप सभी फ्रेंड्स को हैप्पी दुर्गा पूजा। और आज देखिए, ये मेरे टेरेस पे एक प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है, तो आज मैं इसी की जानकारियां आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं। तो यह खूबसूरत सा फ्लावर का पहले मैं नाम बतला देती हूँ। इस फ्लावर का नाम है कचनार, इसे कचनार के फूल कहते हैं। और ये देखिए कितना ही खूबसूरत सा है, और इसका जो कलर है वो पर्पल कलर का है, और इसमें थोड़ी सी वाइट शेड भी है। तो पर्पल और वाइट का कम्बिनेशन इसे बहुत ही प्यारा सा लुक दे रहा है, और इसमें एक हल्की सी खुशबू भी होती है। और इसके और भी कलर आते हैं, तो मैं इसका वाइट कलर भी देखी हूँ, लेकिन मुझे ये पर्पल कलर ज़्यादा खूबसूरत सा लगा था, तो मैं इसे लगाई हूँ। और इसे मैं पिछले साल नर्सरी से लाकर लगाई थी, पिछले साल भी इसमें फ्लावर खिले थे, और इस साल देखिए अब फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। आज इसमें दो फ्लावर खिले हैं और कुछ कलियाँ भी लगी हुई है। और यह जो प्लांट है वो एक परमानेंट प्लांट होता है, यानी आप इसे एक बार अपने गार्डन में लगा लें तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, और ये प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इसे लगाते हैं तो इस समय इसकी मिट्टी अच्छी तरह से बना लेनी चाहिए, इसकी मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से बनानी चाहिए। और इसे जब भी हम लगाएं तो एक बड़े से कंटेनर में लगाएं, इसे एक बड़े से गमले में लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसे एक पुरानी से बकेट में लगाई हूँ जो कि 20 लीटर का था, और मैं इसे में लगाई हूँ, और इसमें इसे अच्छी तरह से ग्रो करने का स्पेस मिल गया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें इसका ज़रूर से ध्यान रखें कि इसे एक बड़े से पॉट में लगाएं। और दूसरा, इसकी मिट्टी बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में 40% आप गार्डन की मिट्टी मिलाएं, 30% फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद या फिर गोबर की खाद आप मिला सकते हैं, और 30% बालू ज़रूर से मिलाएँ, कुछ सूखी पत्तियाँ भी मिला दें ताकि मिट्टी अच्छी तरह से बनी, और इसमें इसका जो जड़ होता है इसकी रूट अच्छी तरह से फैल सके और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है। तो मैं इसी तरह से सारे प्लांट को लगाती हूँ, और इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे धूप अच्छी तरह से मिल सके, क्योंकि इस प्लांट को धूप पसंद है और धूप में इसके फ्लावर अच्छी तरह से खिलते भी हैं। और इसे समय समय पर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी पड़ती है, तो आप इसे 2 महीने में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैं इसमें नेचुरल फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट, पत्तों की खाद और गोबर की खाद, और मैं सरसों वाली खाद डालती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा प्लांट अभी अच्छा तरह से ग्रो कर गया है और अच्छी तरह से फ्लावरिंग देना शुरू कर रहा है। और इसमें कभी कभी कीटों का भी अटैक देखा जाता है, तो इसमें आप कोई भी कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। और कीटनाशक का छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि इसमें शाम के समय ही छिड़काव करें, अन्यथा इसकी पत्तियां जल जाती है। तो इन बातों का ख्याल रखकर आप इस प्लांट को अच्छी तरह से अपने गार्डन में रख सकते हैं, और ये खूबसूरत सा प्लांट को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।